करिए, सबकी आंखें बंद, कमर सीधी। फायदा है जब हमारी कमर सीधी होगी और हम सांस नोजी से ही लेंगे, नाक से ही लेंगे, मुंह खोलकर सांस नहीं लेना। नीचे तीसरा प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें हम सांस लंबी लेंगे और लंबी ही सांस छोड़ेंगे, बिना रुके करेंगे। शुरू कर सांस हमारी मुंह से नहीं, नाक से ही जानी चाहिए और नाक से ही बाहर आनी चाहिए। करेंगे और इस पोजीशन में आएंगे, एक फिंगर हमारी माथे के ऊपर होनी चाहिए और तीन नीचे, कमर सीधी। सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे और फिर गुंजार करते हुए माँ की ध्वनि को अपने मस्तक में कंपन कंपायमान करेंगे। शुरू करेंगे, सबसे पहले हम ओम का उच्चारण, सांस भरेंगे अपने अंदर।
अग्रभाग और अपनी पहली उंगली का अग्रभाग दोनों को मिलाकर अपनी उंगलियां आकाश की ओर कमर सीधी आगे जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसे अपने पूरे शरीर पर घुमाते हुए अपनी आंखें खोलेंगे।